नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ बेड़ादर पंचायत के जेर गांव में, और इस जेर गांव में इसीलिए आया हूँ क्योंकि उदयपुर ज़िले की कोटड़ा तहसील के अंतर्गत जो कक्षा 12वीं में बच्चे पढ़ते थे उनमें से एक ऐसी लड़की जिन्होंने जेर गांव में रहते हुए, और जेर गांव की है जो कि कोटड़ा की गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटड़ा में पढ़ते हुए पूरी कोटड़ा तहसील की आदिवासी समाज की सूचियों में पहले नंबर पर भी आए हैं कक्षा 12वीं के अंदर, और उन्होंने 74% बनाए। और साथ ही साथ में अभी उनके माता पिता है, मैं इनके हुआ हूँ, और जेर आते समय काफ़ी दिक्कत भी हुई क्योंकि रास्ता जो है वो करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर बहुत ख़राब था। अब इनसे बातचीत करते हैं और कोमल के बारे में जानते हैं जो कि पूरे कोटड़ा तहसील में आदिवासी समाज की सूचियों में पहले नंबर पर रही है। उनके माता पिता से बात करते हैं। हूँ ना मैं तुम्हार बिकी को बिकी देवी बिकी देवी ना तमार उजमा मारवा जो के हाँ ते पल था मार सॉरी है वो हाँ मार सॉरी अच्छा ते अब आर एनी है बार भी माँ आखी साबनी माँ जित्री स्कूल एनी 32 स्कूल माँ था इन पहला नंबर ला भी है अपन आदिवासी समाज ने सॉरी हो माँ ठीक तो था मन केम लागे असल लागे खुशी की बात है। ते एनिन तमे केवी रीते पणावता अन ए पहला के पणती हो पहला पणती एकनो बोलो एकनो पहला पणती साहब सेवा मंदिर मा हां छोटी बचपन से ही जाती थी पण मैं मारम मन नै इरादो तो के बेटा तमे पणो कुछ पढ़ के कुछ करो नाम रोशन करो मेहनत करो मजूरी करी के नेनो कोई पेन है बीजू है पटलियों मा जाई मजूरी करी करी ने पेसेनो खर्चा पानी देते थे એમ કરી કરીને પછી ને અહીં પાછી સરકારી સ્કૂલમાં પછી સટ્ટા પણ આવીને સરકારી સ્કૂલમાં હું મિલ જેમ જેમ બઢતી ગઈ જેમ જેમ પછી અંબાસા પણ એ મિલી હતી એમ કરી કરી પછી કોટરા મિલી હતી આ પડતી પડતી આશરે લાભો હું અચ્છા તે આગળ કેતરે ખુદી તમાર પણાવવાના વિચાર હે હજી વિચાર તો હે સાહેબ ભાઈ ને પણ હે તે કોઈ એને હજી છોરીની ઉંમર માપે છે પછી ભણવાની હે ઈચ્છા છે તે તમે હું કામ કરો અમે હું કામ કરીએ સાહેબ અમે ખેતીવાડી કરીએ ને મજૂરી આ જેથી કરીને ગુજારો હે ડરવાનો ને તમાર બીજા કેટલા સહયો હે બીજો સહયો મારે ચાર સહયો છે તેનામાં એક તો ગુજરી ગયો મોટો સહયો ને એના પણ હલ્લો હે તે હવે હે તેન્ડ્રો બે બુંદો ને એક છોરો એક ભાઈ અચ્છા ને તે કોમલ તો હોસ્ટેલમાં રહેતા ને પછી તમારે અહીંયા કોમ ને એ કેવી રીતે તમે કરતા અમે ઘેર આવતી તમે કોમ ને કોમ કરાવતા કે ભણવાનું કહેતા કે ભણવાનું બેટા તમે ભણો ભણો અમે કરીએ કોમ તે તમે ભણેલા હો કે નહીં ભણેલા ખાલી સહી સહી આવરે તો આવરે ને કે નહીં આવરે તે નહીં ભણેલા તમે ખાલી સહી સહી કરે અચ્છા તે ઘણા બધા મતલબ અને આ તમાર કેર આ છે કે બીજું કેર વરે હે બીજું હું કરે તું સાહેબ પણ એ તો પરી કોણ સાહેબ પરી કે ત્યાસ પણ ટુડી એમ બોલો હા ટુડી હતી ઘેર નથી ઉપર ચાપણ બનાવી લે અચ્છા બોહરો પરી કે તે લાઈટ હે કે નહીં લાઈટ પેલે ઘેર હતી હા હતી પણ નહીં હે તો પેલે ઘેર હતી પણ આ સહયો ખૂટો હે હું તો કોડો થઈ ગયો રખબક થઈ ગયો ઓમ નો ના હે હું એમ કરીને કોઈ નહીં કપાઈ ગયો કેજી દેખું ને દુઃખ થી હું કાઢી હો ગયે તે એમ કરે કરે તો આપણી છોરો ઠીક થયો તે આ ઘણા બધા મતલબ આઈન બાય સહયો નહીં પણાવતા ને પણવાનું છોડી નાખે ઠીક છે કે તે કોમલ ના મનમાં પણવાની કેવી ઈચ્છા હે તમે દેખાય મને તો રૂસી હે ને એમ તો પણવાની એમ તો રૂસી ખરી ખબર આ બીએસટી માં પાસ ફારેમ પર આવું કે તે ખર્ચા પાણી હું એમ કરીને ફારેમ પર આવું ને એમ કરીને એ પાસ માં બરા ખર્ચા પાણી આ લઈને પાસ હું 26 નું એક્ઝામ હે તો બે ફોડી કાઢો હું દીધું અચ્છા પાસ થઈ જઈએ તો કઈક નોકરી લાગી તો મમ્મી એમ કે તો ઈચ્છા એમ હે એનો ઈચ્છા નોકરી કો કે મેળવીએ એમ ઈચ્છા તો હે બચ્ચો શું કરવાનું કોઈ કોઈ જિંદગી મેં
नाम उसू करो पढ़ाई करो थमी अपने बात तो वही है कि खाली हम पैदा करो हूँ अपने को जेंटलमैन बनी गया कोई कोई काम करो अपने जी अभी मैं खेती करिए तुम पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो बेटा माता पिता तो एम नो एम रही गो सही पण कोई सोरन तो करवु जो है के बालकों तो आपने कई पणावीए तो पणे ने कर मजदूरी करावीए तो पेस बालकों कई रीते पणे मजदूरी करी कई लावी नो नालो ने मजूरी पण मो बेटा एम कहे तो कई रीते पणे साहेब आ तो मजूरी जे खूटे जे बेटा अमे हालू पले घेर ने तो मजूरी करी पण थमी पण हो एम करीन साहेब मजूरी कई पण पूरु करू ना करे लावो ते घनी वते आयो तो एम कह के थार तो पणनी तो जवानो से एम पेसन रोटास करवा है हूं जरूर है पड़वानी एनी तमार हूं के बोल के एनीओ ने समझे नोसी तो पार्के जाए दिखरी है ने पार्के जाए पण तो भी पार्के जाए तो आपने दिखरी तो सुखी रे साहेब है आ तो अतारे मां पण आवे तो अगर जाइन सुखी रे तो कोम तो है हदा कोम तो है पण कोई पणवानो तो पासो टाइम तो नहीं आवे ने साहेब बेटी पार्के जाए पण तो सुधी मा एने एने जीवन मा तो सुखी रेख नी आपन तो ठीक है हाल है के नहीं हाल है पण एनी जिंदगी तो सुखी बने के अपनो भी संतोष रे नगर गणिया लड़किया बती पटलियों मा लेन जाए मजूरी करावना पटेलों ना फोतला नकी नकी छोरियों नी हालत खराब हो गई ठीक है ते दोस्तों ये हमारे साथ थे कोमल के पापा और मम्मी इनके साथ हमने बातचीत की और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है वो अपने बच्ची कोमल और उसके भाई को पढ़ाने को लेकर उनके जो और बच्चे हैं उनको भी पढ़ाने को लेकर और इनका सोचना भी ये है कि अगर लड़की पढ़ेगी तो वो खुद भी सुखी रहेगी और उसके परिवार को भी सुखी रख सकती है मैंने पूछू है कि सरकार है कि पेशन गणित बदी संस्थाओं कौम कर रहे हैं शिक्षा मतलब विकास है एम करें सरकार सरकार तरफ थी ने संस्था तरफ थी तमार के भी मदद जो जे तमार परिवार जे कोमल है एनी पढ़ाना मदद रूप बनी हके तमार सही है पढ़वाना मदद रूप बनी हके सरकार ने संस्था ही तमार हूँ मदद मदद तो वेना मत सब हूँ जो जे की खर्चा पानी खर्चा पानी नहीं मदद जो बीजी तो हूँ मदद जो इनोन मजूरी तो इनोन करवानी है अपने तो ये बात तमारा हूँ क्या केम के अबार तमन वीडियो घणा बता मन भी जोई रहा है तो एना में सरकारी अधिकारी है संस्था वाला है तो ई तमार केवी रीते मदद करे ते तमे तमार तयन पणावी हको ए साहिब हम के ये घेर ने तो मजदूरी करी ने लावी आपण आपण तमे करो सो पण सरकार केवी रीते तमार मदद करे सरकार सरकार नु तो हम साहिब ने कोई मदद करे तो सरकार करी हके भूमि तो हूं कही हकी साहिब है कोई नौकरी लगावे कोई मदद करी हके तो करें आतरे मिलाव ये जेम तेम करें बीजो तो माता पिता इन्होंने सोरों ने पढ़ावे इन्होंने पढ़ावना है तो नहीं पढ़ावे पढ़ावे तो पढ़ाव साहब पढ़ावना पढ़ावना नहीं थे अभी भी उन्होंने काटो है तो बड़ी सारा हजार रुपया जेम तेम कर मिल भी उदयपुर माता तो है तो नहीं साहब ये तो नहीं थे जो तुम 4000 रुपया है जे सेंटर ढूंढ के वो तुम्हारे एग्जाम दे के आना अपने को रहा ना कोई छे रेम तेम करी नम नम करी ने तेरे हम कहीं परीक्षा दे ना जो बेटा हम कहीं को रहा ना कोई खाते हैं वरी भी जाने नहीं करे तो दोस्तों कोमल और उसका भाई दोनों बीएसटीसी की एग्जाम 26 तारीख को है यानी कि रविवार को उसको देने के लिए घर से गए हुए कोमल से भी मेरी बातचीत करनी थी लेकिन नहीं हो पाई लेकिन उससे भी जरूर हमारी बातचीत होगी और मैं बताऊंगा कि कोमल पढ़ाई को लेकर क्या सोचते हैं उनके माता पिता के विचारों को आपने सुना और उन्होंने जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाया है वे चाहते हैं कि और भी माता पिता पढ़ाए तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर सरकारी जो भी अधिकारी सुन रहे हैं और जिस तरीके से रास्ता जो मैं बताऊँ तो दोतड़ से लेकर झेर तक जो आने का रास्ता वो बहुत ख़राब है और मुझे नहीं पता कि लोगों को कितनी परेशानी होती होगी क्योंकि मैं केवल एक बार आया और बहुत सारी परेशानी होती है तो गांव में इस तरह से माता पिता है लड़कियां पढ़ना चाहती है लड़के पढ़ना चाहते हैं और जो सुविधाएं उनकी मूलभूत होनी चाहिए वो भी नहीं है तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति इस बारे में सोचे इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाए उन जिम्मेवार अधिकारियों तक पहुँचाए ताकि रास्ता भी बन सके और जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते वो पढ़ा सके और साथ ही साथ में अगर इस परिवार की कोई संस्था या सरकारी कोई योजना है जिसका लाभ इस परिवार को मिल सकता है तो वो भी इन्हें दिलवाने की कोशिश करें
मैं आपको दोबारा यहाँ का पता बता दूँ तो दोस्तों ये उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के बेड़ादर पंचायत का जेर गांव है। और जेर गांव में आने के लिए आपको खेड़ ब्रह्मा से भी आप आ सकते हैं और कोटड़ा से भी आ सकते हैं। कोटड़ा से आपको मामेर आना होगा, मामेर से मेट बडली करके एक जगह है, वहां से रास्ता महाद की ओर आता है और महाद से करीबन 6 किलोमीटर आगे जेर गांव है जहां पर आप आ सकते हैं। और खेड़ ब्रह्मा से भी 12 किलोमीटर जेर तक आने का रास्ता 12 किलोमीटर महाद से 6 किलोमीटर है। तो दोस्तों महा से जो है वो 6 किलोमीटर का रास्ता है। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप उन लोगों तक और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस तरह के परिवारों को लाभ मिल सके और ये जो रास्ता दोतड़ से लेकर जेर तक का है वो ठीक हो सके। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार।